इस वीडियो में देखने वाले कैटजन की सहायता से हेमेस्टर कॉम्बैट का क्या प्राइजिंग आएगा। मैंने अपना प्राइजिंग भी निकाल रखा है, वो जो भी प्राइजिंग आएगा आपका कितना कॉइन के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे सब कुछ यहाँ पे डिटेल मैंने रख रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, मैं कैटजन की आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले कैटजन प्राइज का आपको पता है, जिसका नाम कैटी था उसका प्री मार्केट में जो वैल्यू थी वो देख सकते हो 0.63 जो कि डॉलर में उसकी वैल्यू थी। ठीक, वही मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हो जो लास्ट में गई थी लिस्टिंग होने के बाद, आप देख सकते हो उसकी 1.2 मतलब कि 1.2 डॉलर में उसकी वैल्यू गई थी। वहीं आप देख सकते हो लिस्टिंग प्राइस जो था, जो स्टार्टिंग में लिस्ट जो प्राइस हुआ था वो 0.080 था। तो ये कैसे मैंने सब कुछ इससे डिसाइड करके कैसे निकाला है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस से कितना गुना था कैटी प्री मार्केट से। जैसे कि अगर पता है आपको जो ये लिस्टिंग प्राइस थी, लिस्टिंग प्राइस से कितना गुना ये है कैटी, कितना गुना था पहले प्री मार्केट में जब लिस्ट हुआ, पहले लिस्ट होने के पहले ये पहले लिस्ट हो गया था प्री मार्केट में, ये बाद में लिस्ट हुआ था जो कि ये लास्ट में लिस्ट होता है जो प्री मार्केट में जो पहले से कॉइन आ जाता है। तो इसमें कितना दिया गया, कितने का फ़र्क था, तो मैंने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके यहाँ से इसमें भाग करके निकाला है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे 7.590 गुना अधिक है, मतलब 7.5 गुना अधिक है आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 7.5 गुना अधिक है। तो यहाँ से अभी डिसाइड हो रहा है क्योंकि ये जो है 7.5 गुना अधिक इससे है, मतलब कि जो मार्केट में रखा गया था कॉइन वगैरह सब कुछ वो 7.5 गुना अधिक मार्केट प्री मार्केट में लोग ने लिस्ट करा था, मतलब 7.5 गुना अधिक पहले से ही सब डिसाइड करके बैठे थे कि 7.5 गुना तक प्राइस इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, 7.5 गुना तक यहाँ पे पहले ही डिसाइड करके बैठे थे। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि 7.5 गुना बढ़ा है। तो इसी की सहायता से अभी यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि इसका जब सहायता से 7.5 गुना था और प्री मार्केट में आपको पता है कि जो हेमेस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग हुई है वो आप देख सकते हो उसकी लिस्टिंग है प्री मार्केट में ये 0.0105 डॉलर में इसकी वैल्यू अभी आपको लिस्टिंग हुई है। ठीक है, आपको ही पता होगा। और उससे कितना गुना आपको पता है कि इसका गुना करने के बाद आपको 7.5 गुना, आपको मैंने बताया था 7.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा 7.5 गुना ज़्यादा है, जो कि आपका ये हेमेस्टर कॉम्बैट है। ठीक है, हेमेस्टर कॉम्बैट जो आपका है वो ये प्री मार्केट 7.5 गुना ज़्यादा है। तो ये 7.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, किससे, लिस्टिंग प्राइस से। तो हम इसमें जस्ट इसमें 7.5 का भाग दे देंगे, इसमें 7.5 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, जो लिस्टिंग प्राइस है जो आपका लिस्ट होगा कॉइन उसकी वैल्यू ये पे आ गई है। ठीक है, यहाँ से मैंने प्री मार्केट से 7 गुना अधिक था तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 7.5 मतलब जितने का दिया गया था 0.0105 का भाग मैंने दे दिया 7.590। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, अब आपका यहाँ पर वैल्यू निकल गई लिस्टिंग प्राइज। ठीक है, लिस्टिंग प्राइज आपका यहाँ पर निकल गया जो कि आपका लोएस्ट प्राइस था। अब वहीं अगर आप देख सकते हो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम प्राइस निकालना है, ठीक, ये कितने तक जा सकता है, लास्टली कितने तक जा सकता है, तो अब आपको क्या करना है, आपका लोएस्ट प्राइस निकल गया है। तो लोएस्ट प्राइस निकल गया है आपको यहाँ पे दो आपको हो गया है, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस आपका निकल गया और यहाँ पे देख सकते हो प्री मार्केट की वैल्यू निकल गई। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते थे। कैटजन की जो मैक्सिमम वैल्यू है आपको पता है कि अगर यहाँ पे देख सकते हो जिसका जो लोएस्ट प्राइस था और जो हाईएस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस को हाईएस्ट प्राइस में भाग दे देंगे। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कितना गुना ये गया था। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना गुना ये गया था। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला, देख सकते हो यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये आपका देख सकते हो, ये आपका हो गया ये मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर मैंने रखा तो ये टोटल गया था 15 गुना अधिक गया था। ठीक है, प्रीमा देख सकते हो यहाँ पे 15 गुना अधिक गया था लिस्टिंग के बाद। ठीक, लिस्टिंग के बाद 15 गुना अधिक गया था। अब हमें क्या करना है, अब लिस्टिंग पे हाईएस्ट हमें निकालना है कि हमारा कितना जब लिस्ट होने के बाद कितना प्राइस जा सकता है। ठीक है, लिस्ट होने के बाद जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस हम निकालने के प्रयास करते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्सिमम प्राइस लिस्टिंग प्राइस गुणे 15 का करते हैं तो टोटल हमारा जो वैल्यू निकल के आता है यहाँ पे देख सकते हो 0.020745। ये आप एक बार नोट करके रख लेना, ठीक है, कॉपी में नोट करके रख लेना, शायद ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है ये आपसे मैच कर जाए कि आपका जितना कॉइन है उतने से मैच करें। अब वही हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 1000 कॉइन है, ठीक है, 1000 कॉइन है तो आपको कितना आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप आपके पास अगर 1000 कॉइन है तो 1000 को यहाँ पे जो आपकी प्राइज है, ठीक है, हाईएस्ट प्राइज उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो रिसीव होगा वो 20.745, मतलब आपको इतना आपको डॉलर रिसीव होगा, मतलब आप समझ सकते हो 1800 से 1900 आपको रिसीव होगा 1000 कॉइन पे, मतलब मेरा समझ सकते हो कितना कम यहाँ पे बैठा है। बाकी जैसी आपको ये वीडियो लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, और हाँ अभी यहाँ पे प्री मार्केट में मान लो ये मार्केट में लिस्ट तो हो गया लेकिन आपको विड्रॉल का प्रोसेस अभी आपको जानना है तो सिंपल सा आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कोई भी वीडियो हम मिस आउट ना करें। देख सकते हो 12-12 बजे रात से जाग जाग के आपको वीडियो बना दे रहा हूँ, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप ये कंप्लीट कर पाओगे।